नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान एक बार फिर आपके लिए एक मज़ेदार सवाल के साथ आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ खट्टी मिट्टी नोक जोक सब चलती रहती है। तो आज हम पूछने वाले हैं, दो स्ट्रेंथ ऑफ हस्बैंड, टू स्ट्रेंथ ऑफ वाइफ, टू वीकनेस ऑफ हस्बैंड, टू वीकनेस ऑफ वाइफ। तो चलिए देखते हैं कैसा है लोगों का रिएक्शन इसके ऊपर। मैम, आपके अकॉर्डिंग आपने हस्बैंड की दो स्ट्रेंथ और दो वीकनेस बताइए। फैमिली ओरिएंटेड है। ओके, ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? स्ट्रेंथ है, वीकनेस तो होने से रही। ओके, और वीकनेस? वीकनेस मुझे बहुत बाहर कम लेके जाते हैं। बाहर कम ले जाते हैं सर। ओके, एक दूसरी एक मैं इनसे पूछूं तो मैं सोच लेती। यहाँ भी देखो कंपटीशन चल रहा है। पहले मेरे हस्बैंड से तो पूछो कि उनके वो अपनी वाइफ की क्या मानते हैं। इनकी नई शादी हुई है तो अभी तो शायद स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ मिलेंगी, वीकनेस बहुत कम मिलेगी। आपके हस्बैंड में लव मैरिज है? ये भाई को बड़ी उतावली है, लव मैरिज है मेरी। कहाँ से पता, कब हुई थी दादी? 22 दिसंबर को। कौन सी 22 दिसंबर? 1980? नहीं, 2018। अच्छा, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की दो वीकनेस बताओ, कमियाँ। करती है, बोल दो ना। अभी भी यही बता रही है, देख रहे हो आप कितनी डोमिनेटिंग गर्ल है। चिल्लाती है। ओके, बात बात पे गुस्सा हो जाता। तो लव मैरिज के टाइम कहाँ का ऊपर खा रहा था भाई? तभी वही था। हाँ, फिर भी कर लिया। हाँ, फीलिंग थी ना। फीलिंग थी, अब नहीं है फीलिंग? अभी भी है ना। अच्छा है ना, इसलिए तो है। अच्छा, मैं बहुत ही स्वीट फैमिली के साथ हूँ। सर, आपको अपनी वाइफ की दो स्ट्रेंथ और दो वीकनेस बतानी है। दो वीकनेस पहले बोल देता हूँ। ओके, पेशेंस कम है। ओके, और गुस्सा जल्दी आ जाता है। दोनों ही एक ही हो गए ना, पेशेंस कम और गुस्सा जल्दी आ जाता है, एक ही वीकनेस है। फर्क हुई ना? फर्क है दोनों में। ओके, आपको एक्सपीरियंस होगा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। सर की दो स्ट्रेंथ बताइए आप। स्ट्रेंथ, वीकनेस बाद में, मुझे पता है वीकनेस बहुत सारी होंगी। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये बिल्कुल भी इमोशनल जल्दी नहीं होते हैं, किसी की बात मतलब अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। गुड। और सेकंड ये है कि वो मतलब बच्चों के साथ हमेशा प्लेफुल रहते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। जॉयफुल वाले इंसान। ओके, अब दो वीकनेस बताइए सर की। नहीं है सर। क्या बात है भाई, वीकनेस ही नहीं है, मतलब घुमाने भी ले जाते हैं, खिलाने भी ले जाते हैं बाहर, बहुत ही इतना प्यार करते हैं। ये तो पहले कपल मिले हैं मुझे जो अपने हस्बैंड में वीकनेस नहीं है। बहुत सही, मतलब सर ने वीकनेस बता दिया, आप फिर भी नहीं बताना चाह रहे? नहीं है। ओके मैम, आपसे ना एक गाना डेडिकेट करवाना चाहूँगा मैं सर के लिए, कोई भी। जब कोई बात बिगड़ जाए। हाय हाय, बात बिगड़ जाए, वीकनेस कुछ भी नहीं लें फिर भी बात बिगड़ जाए। सर आप बताइए दो वीकनेस बताइए। नहीं, वीकनेस नहीं, पहले भी लड़ाई हो जाएगी। बातें मानते हैं आपकी सारी बात है, ये तो स्ट्रेंथ हो गई ना। वीकनेस में यही बोलती रहती है, कोई बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, जबकि हमेशा मेरे पास ही रहते हैं बच्चे, उसके बाद भी यही कंप्लेन करती है। ओके, एक दूसरी? दूसरी, मेरे को बाहर नहीं लेके जाता हूँ, जबकि हर संडे लेके जाता हूँ, उसके बाद भी यही कंप्लेंट रहता है। बोलो, उसके बाद भी यही कंप्लेंट। लगता है आज खाना नहीं देने वाली मैम आपको। खाना संडे संडे बाहर खाना। आपको दूसरी वीकनेस बतानी है सर की, एक बता चुके आप। वीकनेस, इनको ब्राउनी बहुत पसंद है। ये वीकनेस है, तो फिट भी तो है सर, क्या दिखा? अगर मीठा खाते हैं तो फिर वो वर्कआउट भी तो कर रहे हैं क्या? जाते ना जिम जाते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये उनकी स्ट्रेंथ है। चलो, और कुछ बोलना चाहोगे आप हस्बैंड के लिए, अपने कुछ डेडिकेट करना चाहोगे, कोई गाना? गाना? हाँ। जीना सिर्फ तेरे लिए। वाओ, सो रोमांटिक मैम, थैंक यू सो मच सर। अपने हस्बैंड की दो स्ट्रेंथ बताओ, जो ताकत हो उनकी, जो आपको सबसे अच्छी पसंद हो चीजें। बस वो मेरा अच्छे से ख्याल रखता है, वही उसकी ताकत थी। ओह सो स्वीट। आप अपनी वाइफ की स्ट्रेंथ बताओ। कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, है ना, है ना? वरना खाना नहीं देगी आज रात ना? खाना तो देती है, अच्छे से देती है। अच्छा, बहुत ख्याल रखती है, बहुत मेरा ख्याल रखती है। आपका ख्याल रखती है। आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहोगे अपनी वाइफ को? ना, एक गाना सुना दो अपनी वाइफ के लिए। गाना सुना दो। अच्छा नहीं है मेरा वॉइस। अरे तो आवाज अच्छी नहीं है उनको, फीलिंग अच्छा। चलो आप अपने हस्बैंड को गाना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, फिर भी लड़ते हो आप इनसे नसीबों से। अच्छा सॉरी सॉरी, आगे बोलते रहो। अब बोल गई। बच्चे की पढ़ाई वीकनेस में? बच्चे की पढ़ाई का ध्यान नहीं रखती ऐसा? नहीं नहीं, ज्यादा ध्यान रखती है। अच्छा, ज्यादा ध्यान रखती है, वीकनेस है भाई। मेरे मम्मी पापा भी सुन लो, ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। ओके, दूसरा? दूसरा शॉपिंग।
शॉपिंग बहुत करती है ये भाई मेरी, जो आएगी फ्यूचर में वो सुन लेना। मैम आपको अपने हस्बैंड की दो स्ट्रेंथ और दो वीकनेस बतानी है। अच्छा ठीक है, एक स्ट्रेंथ है वो ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन। ओके, मतलब मैं कभी भी गुस्सा हो जाऊँ वो उतना ज़्यादा गुस्सा होते नहीं है। ओके, और दूसरी है कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। अब स्ट्रेंथ आप सोच लीजिए, एक बार सर के पास जाते हैं। सर मैम की दो स्ट्रेंथ बताइए। स्ट्रेंथ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है और वो खुद पे ज़्यादा अच्छा बिलीव करती है, बहुत अच्छा, और घर और फैमिली दोनों बहुत अच्छे से संभाल लेती है। मैम की दो वीकनेस, वो एक तो उन्होंने ही बता दी कि मेरा वो कूलनेस ज़्यादा है तो उससे हाँ, ज़्यादा तो गुस्सा बहुत ज़्यादा ही है। ओके, और दूसरा भी उन्होंने टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट स्किल उनका अच्छा नहीं है, मतलब भगवान ने एकदम परफेक्ट जोड़ी बना के भेजी है कि एक में वो नहीं एक में वो नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप बताइए सर की दो वीकनेस और दो स्ट्रेंथ। दो वीकनेस, ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ये वीकनेस है। ये बिजनेस में बहुत अच्छा है, ये स्ट्रेंथ है। हाँ, एक और वीकनेस। बहुत मोटे हैं। बहुत मोटे हैं। ओके, आप सर को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे? जब कोई बात बिगड़ जाए। भाई साहब, सो स्वीट मैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्ट्रेंथ, हाँ मैंने स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस वीकनेस में बेसिकली वही है कि आपको याद आया गाना? कर रहा हूँ, चलो थैंक यू सर। बहुत सारे गाती हूँ लेकिन आज लेकिन आज नहीं। ओके मैम, एक सॉन्ग जो आप सर को डेडिकेट करना चाहोगे? उनको बिजनेस के लिए बाहर बहुत जाना होता है। ओके, तो मैं वो चाहते तब मैं वही सॉन्ग गुनगुनाती हूं। आप यादों में उनकी। ओके हां सुनाइए। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो जान मेरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है या इस टाइप का कोई अच्छा फनी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।